Good morning, dear students. We are doing revision and EVS in almost all the subjects. Today we will do MCQ. कुछ ही करवाऊंगी मैं आपको, पर ये मैं आपको बता दूंगी कैसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उनके जब एक क्वेश्चन के थ्री ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, आपको किस कैसे टिक करना, वैसे आता है आपको, फिर भी एक प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी. तो हम लोग रिविजन में आज करेंगे MCQ. कैसे अगर पेपर में आ जाएगा तो किस तरीके से पढ़ के इनको सॉल्व करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ. तो सबसे पहले इसमें लिखना है मार्केट इज अ प्लेस टू, तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने इसमें दे दिया है शॉप, सेकंड ऑप्शन मैंने दे दिया है प्ले, थर्ड ऑप्शन मैंने दे दिया है ईट. जैसे 1, 2, 3 या 2 या 4 जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है. मार्केट इज अ प्लेस टू, मार्केट वो प्लेस है जहां हम क्या करते हैं, शॉप प्ले ईट. क्या करते हैं हम लोग करते हैं शॉपिंग. तो हमें इसके ऊपर ऐसे टिक करते हैं, है ना. या फिर यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं तो उनमें टिक कर देना है, नहीं बने हुए तो जो ऑप्शन है उनमें आपको जो नंबर दिया गया है एबीसीडी है 1, 2, 3 इस तरीके से उसके ऊपर टिक कर देना. अगर बॉक्स है तो बॉक्स में टिक कर दीजिए, नहीं है तो इस तरीके से इसको टिक कर दीजिए. ये है आपका एमसीक्यू. अगर पेपर में आते हैं अगर आपके एमसीक्यू तो आपको इस तरीके से इनको करना है. द सिटी फ्रॉम वेयर अ स्टेट is called its, क्या कहलाती है वो सिटी जहां से किसी भी स्टेट की, स्टेट को गवर्न किया जाता है, जहां से उसकी पूरी सारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो होता है, वो क्या कहलाती है वो सिटी, वो क्या कहलाती है, उसके ऑप्शंस लिख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले है विलेज, नंबर 2 है कैपिटल और नंबर 3 है यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी तो वो सिटी कहलाती है जहां से किसी भी स्टेट को गवर्न किया जाता है, वो कहलाती है कैपिटल, उसकी राजधानी. जैसे हमारा राजस्थान स्टेट है उसकी कैपिटल है जयपुर, तो सारा सीएम का जो ऑफिस है, सीएम का जितना भी, वहां से ही जयपुर से ही सारा वर्क होता है. चले आगे चलते हैं. अब इसका एमसीक्यू ले लेते हैं एक उठा के. प्लांट्स गिव अस, क्या देते हैं हमें प्लांट्स, बहुत कुछ देते हैं, पूरी लाइफ ही हमारी उसी पर डिपेंड है. प्लांट्स गिव अस क्या देते हैं, ऑक्सीजन, नंबर 2 क्लोथ, नंबर 3 ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज. अब इस टाइप का ऑप्शन भी आ सकता है, बहुत सारे आंसर दे दिए और लास्ट में दे दिया ऑल ऑफ दीज. अगर आपको लगता है कि सारे आंसर्स करेक्ट है तो हमें ऑल ऑफ दीज पे टिक करना. कैसे, प्लांट्स भी क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिलते हैं, क्लोथ मिलते हैं, फूड भी देते हैं और बहुत कुछ देते हैं, तो हमें ऑल ऑफ दीज पे यहाँ पे ऐसे टिक कर देना है, या अगर बॉक्स बना हुआ है तो उसके ऊपर टिक कर देना. इसका एक पिक्चर ले लेते हैं फिर हम और आगे चलते हैं. अब हम करेंगे 5 का. हाउ मैनी सीजन्स आर देयर, कितने सीजन है. तो नंबर 1 है हमारा 3, नंबर 2 है हमारा 4, नंबर 3 है हमारा 5. कितने सीजन होते हैं, ये आपके ऑप्शन के बॉक्सेस हैं, ये नंबर नंबर लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. ये कितने सीजन होते हैं, मेनली देयर आर 5 सीजन. तो हम क्या करेंगे, ये 5 नंबर या यहाँ पे दोनों में से किसी भी जगह जैसा कि आपको पेपर में ऑप्शन दिए जाए उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना, बहुत अच्छे से टिक करना.
ऐसा ये ऐसा टिक कर दिया, मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो फिर मैं कैसे करेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द, कहां से लेते हैं हम लोग हीट और लाइट? कौन देता है हमको हीट और लाइट? वो हमें यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। नंबर वन मून, नंबर टू स्टार्स, और नंबर थ्री है हमारा सन, सूरज चंद्र साथ साथ। कौन देता है हमको हीट और लाइट? हमें हीट और लाइट देता है सन। इसके ऊपर कर देंगे ये टिक। नंबर सेजर पे आ जाते हैं हम लोग, इसमें से भी छोटा लिख देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल रिसोर्सेस, आर नेचुरल रिसोर्सेस, कौन कौन से है नेचुरल रिसोर्सेस? प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, ऑल ऑफ दीज। चलिए तो नेचुरल रिसोर्सेस जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो रिसोर्सेस जिनको हम यूज करते हैं, किन किन को यूज करते हैं हम लोग? प्लांट्स को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं, वाटर को भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दीस, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एमसीक्यू नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन वाला है। फिर आ जाते हैं, डैश इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा है? डैश इज द फास्टेस्ट means of transport। और क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, बस नंबर टू का, नंबर थ्री एरोप्लेन। तो कौन सा है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस या कार या एरोप्लेन? तो यहां हम लिख देंगे एरोप्लेन। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया कि एमसीक्यूज अगर आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे। लेसन हम टू टू टाइम्स, थ्री थ्री टाइम्स रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए ऐसा इनको लर्न करने जैसा कोई मुझे नहीं लग रहा कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। ट्रू फॉल्स हुए, फिलअप्स में स्पेलिंग का थोड़ा सा हो सकता है कि आपको स्पेलिंग लर्न करनी पड़े, अदरवाइज एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इतनी बार मैंने आपको चीज़ें बता दी, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके बच्चों, प्रैक्टिस करिए।